नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 5वां पाठ लेकर। इस पाठ का नाम है कंटके नैव कंटकम। कंटके नैव कंटकम, इसका अर्थ है कंटकेन एव कंटकम। कंटकम कहते हैं कांटे को, अर्थात कांटे से ही कांटा निकल सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे साथ जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, हमें उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं कहानी कंटके नैव कंटकम। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत यानी था, कश्चित कोई, चंचलो ये शब्द है, चंचल अर्थात चंचल, नाम यानी नाम का, व्याधः यानी शिकारी। एक बार चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनाम, पशु पक्षी आदि के ग्रहण करने से अर्थात पकड़कर, पशु पक्षी आदि को पकड़कर सह वह शिकारी, स्वीयाम यानी अपनी, जीविकाम जीविका का, निर्वाहयति स्म निर्वहन करता था, अर्थात पशु पक्षी आदि पकड़ करके वो अपनी जीविका चलाता था। एकदा यानी एक बार सह वने जालम विस्तीर्य, सह यानी वह शिकारी, वने वन में, जालम विस्तीर्य जाल बिछाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे दूसरे दिन प्रातः काले सुबह के समय, यदा जब चंचलः वनम गतवान, चंचल वन में गया, तदा तब सह दृष्टवान उसने देखा, यत कि तेन विस्तारिते जाले, तेन यानी उसके द्वारा, उस शिकारी के द्वारा, विस्तारिते बिछाए हुए फैलाए हुए जाले जाल में, दौर्भाग्याद दुर्भाग्य से, एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत, एकः यानी एक, व्याघ्रः यानी बाघ शेर, बद्धः बंधा हुआ आसीत था। एक बार चंचल नाम का शिकारी वन में जाल बिछाकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जब वह वन में गया तो उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ यानी शेर फंस गया है। सो चिंतयत, सह प्लस अचिंतयत, उसने सोचा, किसने, शिकारी ने, व्याघ्रः माम खादिष्यति, व्याघ्रः यानी बाघ माम मुझे, खादिष्यति खाएगा, अतएव अतः पलायनम करणीयम, पलायनम यानी भाग जाना, करणीयम करना चाहिए, अर्थात पलायन करना चाहिए यानी यहाँ से भाग जाना चाहिए। जब वह भागने लगा उस समय व्याघ्रः न्यवेदयत, व्याघ्र यानी बाघ ने न्यवेदयत निवेदन किया, भो मानव हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वम यदि तुम, माम मुझे, मोचयिष्यसि छुड़ाओगे, तरही तो अहम म त्वाम न हनिष्यामि, तुम्हें नहीं मारूंगा, हे मनुष्य अगर तुम मुझे इस जाल से छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याधः, तब उस शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को जालात बही जाल से बाहर निरसारयत निकाला। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। व्याघ्रः क्लांतः आसीत, व्याघ्र यानी बाघ क्लांतः थका हुआ आसीत था, जब जाल से बाहर निकाला तो उस समय बाघ यानी वो शेर थका हुआ था। सो वदत, सह प्लस अवदत यानी वह बोला, वह बाघ उस मानव से, उस शिकारी से बोला, भो मानव हे मनुष्य, पिपासुः अहम, अहम यानी म, पिपासुः यानी प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, नद्याः जलम आनीय, नद्याः यानी नदी का, जलम प्लस आनीय जल यानी पानी, आनीय यानी लाकर, मम पिपासाम शमय, मम यानी मेरी, पिपासाम प्यास को, शमय यानी शांत कीजिए। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, इस बीच उस शिकारी ने उस शेर को नदी का जल लाकर दिया, शेर ने वह पानी पिया, और पानी पीकर व्याघ्रः जलम पीत्वा, वह बाघ जल पीकर
पुनः व्याधम अवदत्त, पुनः व्याधम यानी उस शिकारी को अवदत्त बोला, शांता मे पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है, सांप्रतम अब, बुभुक्षितोऽस्मि, बुभुक्षितः प्लस अस्मि, बुभुक्षितः अर्थात भूखा, अस्मि हूँ, अब मैं भूखा हूँ, इदानीम इस समय, अहम मैं, त्वाम खादिष्यामि तुम्हें खाऊंगा, चंचलः उक्तवान, चंचलः यानी चंचल वह शिकारी, उक्तवान यानी बोला, अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान, अहम यानी मैंने त्वत् कृते तुम्हारे लिए धर्मम धर्म का आचरितवान आचरण किया, अर्थात मैंने तुम्हारा भला किया, त्वया मिथ्या भणितम, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, मिथ्या अर्थात झूठ, भणितम कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा, त्वम माम खादितुम इच्छसि, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, खादितुम खाना, इच्छसि चाहते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो, व्याघ्रः अवदत्त, बाघ व शेर बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताय यानी भूखे व्यक्ति के लिए किमपि कुछ भी, अकार्यम यानी अकरणीय, न करने योग्य कार्य, न भवती नहीं होता, अर्थात भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके लिए सब सही है, सर्वः स्वार्थम समीहते, सर्वः यानी सभी, स्वार्थम अपना भला, समीहते चाहते हैं, सभी लोग अपना भला चाहते हैं, पृच्छ कमपि किसी से पूछिए, यह वाक्य इस नई पुस्तक में नहीं दिया हुआ है लेकिन इस कथा में है, शेर कहता है भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है क्योंकि सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग अपना स्वार्थ यानी अपना भला चाहते हैं, यह बात पृच्छ कमपि, कमपि यानी किसी से भी पूछ लो, तब चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल यानी उस शिकारी ने नदी जल से अपृच्छत यानी पूछा, इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ, नदी जलम अवदत्त, नदी जल बोला, जब वो शिकारी नदी के पास गया और उसने नदी से पूछा, क्या ये बात सही है कि सर्वः स्वार्थम समीहते यानी सभी अपना भला चाहते हैं, तब नदी जल बोला, एवमेव भवति, एवमेव यानी ऐसा ही भवति होता है, जनाः यानी लोग, मई स्नानम कुर्वन्ति, मई यानी मुझ में, नदी जल में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं अर्थात नहाते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति और कपड़े धोते हैं, तथा च और मलमूत्रादिकम विसृज्य, मलमूत्र आदि विसृज्य यानी त्याग कर नदी जल में छोड़कर निवर्तन्ते लौट जाते हैं, वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, तो सभी स्वार्थ यानी अपना भला चाहते हैं, नदी जल ने भी शिकारी से वही बात कही, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, उसके बाद चंचल यानी वह शिकारी वृक्षम उपगम्य, वृक्ष यानी पेड़ के उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछता है, उसने पेड़ के पास जाकर पूछा, वृक्षः अवदत्त, पेड़ बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव यानी मनुष्य ये लोग, अस्माकं छायायाम हमारी छाया में, हमारी अर्थात पेड़ों की छायायाम छाया में, विरमन्ति विश्राम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति और हमारे फल खाते हैं, पुनः कुठारई, पुनः यानी उसके बाद कुठारई कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, अस्मभ्यम यानी हमें सर्वदा हमेशा, कष्टम ददति कष्ट देते हैं, यत्र कुत्रापि और जहाँ तहाँ छेदनम कुर्वन्ति, छेदनम यानी कटाई, कुर्वन्ति यानी करते हैं, सर्वः स्वार्थम समीहते सभी अपना भला चाहते हैं, ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ, समीपे एका लोमशिका, पास ही एक लोमशिका यानी लोमड़ी, बदरी गुलमानाम पृष्ठे, बदरी यानी बेर के फल, बेर गुलमानाम झाड़ियों के, पृष्ठे यानी पीछे, बेर की झाड़ियों के पीछे नीलीना छुपी हुई, एताम वार्ताम इस बात को श्रणोति स्म सुन रही थी,
पास ही में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपकर इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। सा यानी वह लोमड़ी सहसा अचानक चंचलम उपसृत्य, चंचलम प्लस उपसृत्य यानी चंचल के पास जाकर, उस शिकारी के पास जाकर कथयति कहती है। का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, माम अपि यानी मुझे भी विज्ञापय बताइए। सह अवदत्, वह शिकारी बोला, अहह मातृस्वसह, हे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती। अवसरे यानी सही समय पर त्वम समागतवती, त्वम यानी तुम समागतवती पधारी हो, आई हो, हे मौसी तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य, मया यानी मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य इस बाघ के, प्राणा रक्षिता प्राणों की रक्षा की गई, मेरे द्वारा इस बाघ यानी शेर के प्राणों की रक्षा की गई। परम परंतु एषः यह बाघ मामेव मुझे ही, खादितुम इच्छति खाना चाहता है। तदनंतरम इसके बाद सह उसने उस शिकारी ने लोम शिकायी लोमड़ी को निखिलाम कथाम पूरी कहानी निवेदयत सुनाई, निवेदन किया अर्थात उस शिकारी ने लोमड़ी को पूरी कथा कही। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने चंचल से कहा, बाढ़म ठीक है, तुम जालम प्रसारय, तुम जाल फैलाओ, दोबारा वैसे ही जाल बिछाओ। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, पुनः फिर सा यानी वह कौन लोमड़ी व्याघ्रम अवदत् उस बाघ से यानी शेर से बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, केन प्रकारेण किस प्रकार, त्वम यानी तुम एतस्मिन् जाले इस जाल में, बद्धः बंधे, इति यह अहम मैं प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष दृष्टुम इच्छामि, दृष्टुम इच्छामि दृष्टुम प्लस इच्छामि देखना चाहती हूँ, आप इस जाल में कैसे फंसे मैं ये पूरी घटना प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुम्, बाघ वह वृत्तांत यानी वह पूरी कहानी पूरी घटना प्रदर्शयितुम् दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत उस जाल में प्रवेश किया, उस शेर ने वो पूरी घटना लोमड़ी को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी पुनः बोली, संप्रति अब पुनः पुनः बार बार कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कूर्दनम यानी उछल कूद, कृत्वा करके दर्शय दिखाओ, अब आप बार बार लगातार उछल कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, सह यानी उस शेर ने तथैव वैसा ही समाचरत आचरण किया, वैसा ही किया जो लोमड़ी ने कहा। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम यानी लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह श्रांत अभवत, वह श्रांत यानी थक गया, लगातार कूदने से वह शेर थक गया। जाले बद्धः, जाल में बंधा हुआ, सह वह व्याघ्र यानी शेर, क्लांतः सन थका हुआ, निसहायो भूत्वा बेसहारा होकर, तत्र अपतत वहां गिर गया, जाल में लगातार कूदने से वह थक गया और बेसहारा होकर वहां गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, प्राण भिक्षामिव प्राणों की भिक्षा यानी भीख की तरह से अयाचत याचना की, उसने प्राणों की भीख मांगी, मुझे इस जाल से बाहर निकाल दो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी उस व्याघ्रम यानी बाघ यानी शेर से अवदत बोली, सत्यम त्वया भणितम, सत्यम यानी सच, त्वया तुम्हारे द्वारा, भणितम कहा गया, तुमने सही कहा था, सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं। ये नीचे लिखी हुई लाइन वर्तमान पाठ्य पुस्तक में नहीं दी हुई है, जो पुरानी कथा में है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा, जाले यानी जाल में पुनः फिर से
तम उस शेर को बद्धम दृष्ट्वा बंधा हुआ देखकर सह व्याधः वह शिकारी प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्न होकर गृहं प्रत्यावर्तत घर लौट आया। ये इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अब हम चर्चा करेंगे अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याधस्य शिकारी का नाम क्या था? उत्तर है चंचलः, चंचल। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहां देखा? उत्तर है जाले, जाल में। इसका उत्तर वने भी लिख सकते हैं, यानी वन में। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता? क्षुधार्ताय, भूखे व्यक्ति के लिए। बदरी गुल्मानाम पृष्ठे, बेर की झाड़ियों के पीछे। का नीलीना आसीत, कौन छुपी हुई थी? लोमशिका यानी लोमड़ी। सर्वः किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं? उत्तर है स्वार्थम, स्वार्थ, अपना भला। निसहायो व्याघ्रः किम याचत, बेसहारा बाघ ने क्या याचना की? प्राण भिक्षाम, प्राणों की भीख। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया, यानी चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल के द्वारा वन में जाल बिछाया गया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा नद्याः जलम पीत्वा शांता अभवत, बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत, पानी पीकर शेर क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत, पानी पीकर बाघ बोला, सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम इस समय, अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवान, चंचल ने मातृस्वसः अर्थात हे मौसी ऐसा किसे कहा? चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान, चंचल ने हे मौसी ऐसा लोमड़ी से कहा, अर्थात लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बद्धः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत, जाल में दोबारा फंसे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धः व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं गतवान, जाल में फिर से फंसे हुए शेर को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर चला गया। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे हुए वाक्य। कह का यानी कौन, कम काम, किस को या किस के प्रति, प्रति कथयति कहता है, यानी नीचे लिखे हुए वाक्य किसने किस से कहे। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ये किसने किससे कहा? व्याघ्रः व्याधम, बाघ ने शिकारी से, चंचल से कहा। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। व्याघ्रः व्याधम, शेर ने शिकारी से कहा। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, किसने कहा? नदी जलम, किस से? व्याधम यानी शिकारी से। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए भला कार्य किया, धर्म का आचरण किया, और तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया, ये किसने कहा? व्याधः शिकारी ने, व्याघ्रम बाघ को। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां तहां छेद करते हैं, कटाई करते हैं, किसने कहा? वृक्षः पेड़ ने, किससे? व्याधम शिकारी से। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ, किसने कहा? लोमशिका लोमड़ी ने, किससे? व्याघ्रम शेर से। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए।
व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत्। शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निकाला। इस शब्द के आधार पर प्रश्न बनाना है, तो जालात जाल से, तो प्रश्न बन जाएगा किस से। किस से को कहते हैं संस्कृत में कस्मात। तो वाक्य बनेगा व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निरसारयत्। शिकारी ने शेर को किस से बाहर निकाला। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो किसके पास, यानी कम। चंचलः कम उपगम्य, किसके पास जाकर अपृच्छत् पूछा। व्याधः लोम शिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। शिकारी ने लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाई। व्याधः कस्यै निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। शिकारी ने किसके लिए, यानी किसे पूरी कहानी सुनाई। मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य लोग वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो किसकी छाया में, तो संस्कृत में कहेंगे केशाम। मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति। मनुष्य किसकी छाया में विश्राम करते हैं। व्याधः नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपाशाम अशमयत्। शिकारी ने नदी के पानी से बाघ की प्यास बुझाई। व्याधः कस्या जलेन, किसके जल से। शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास शांत की। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत्। इस पेटिका से शब्द चुनकर नीचे दी हुई कहानी को पूरा कीजिए। इन शब्दों के अर्थ देखें। वृद्धः बूढ़ा, कृतवान किया, अकस्मात अचानक, दृष्ट्वा देखकर, मोचयि तुम छुड़ाने के लिए, साट्टहासम अट्टहास सहित, शुद्रः तुच्छ तरहि तो, स्वकीयै अपने, कर्तनम कटाई। कहानी देखें। एकस्मिन वने, एक वन में, एकः वृद्धः व्याघ्र आसीत। एक बूढ़ा शेर था। सह एकदा, वह एक बार, व्याधेन विस्तारिते, शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाले जाल में बद्ध अभवत, बंध गया, फंस गया। सह उसने, शेर ने, बहु प्रयासम कृतवान, अनेक प्रयत्न, अनेक प्रयास, यानी बहुत कोशिश की, किंतु जालात मुक्तः नाभवत, लेकिन जाल से मुक्त यानी आजाद नहीं हुआ। अकस्मात अचानक, तत्र वहां, एकः मूषकः समागच्छत्, एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, बंधे हुए बाघ को देखकर, सह वह चूहा, तम अवदत, तम यानी उससे, किससे, शेर से, अवदत बोला, अहो ओहो भवान जाले बद्धः, आप जाल में फंस गए, अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़वाना चाहता हूँ। तत् श्रुत्वा, ये शब्द है तत् प्लस श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्रह बाघ यानी वह शेर, साट्टहासम अट्टहास सहित यानी ह ह ह इस प्रकार करता हुआ अवदत बोला, अरे त्वम क्षुद्रः जीवः, तुम तुच्छ यानी छोटा सा जीव, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे, यदि तुम माम मोचयिष्यसि, मुझे छुड़ाओगे, तरहि तो, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। मूषकः चूहे ने स्वकीयै अपने, लघुदंतैः छोटे छोटे दांतों से, तद् जालस्य, तत् प्लस जालस्य, उस जाल की, कर्तनम कटाई, कृत्वा करके, तम व्याघ्रम उस बाघ को, उस शेर को, बहि कृतवान बाहर किया, जाल से छुड़वाया। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत्। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। सह लोम शिकायै सर्वाम कथाम निवेदयत्। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम। उत्तर है सर्वाम यानी संपूर्ण।
अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस वाक्य में अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी यह वाक्य किसने कहा। व्याधाय चंचलाय, अर्थात उस चंचल नाम के शिकारी के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी अपना भला चाहते हैं, अस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किम, कर्तृपद यानी कर्ता कौन है। उत्तर है सर्वः सभी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्यात इस वाक्य से एकम अव्यपदम, एक अव्यपद चित्वा सुनकर लिखत लिखी, वो अव्यपद है सहसा यानी अचानक। अंतिम है का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद कौन सा है। क्रियापदस्य पद परिचयम अपि, क्रियापद का पद परिचय भी लिखता है लिखी। अस्मिन वाक्य विज्ञापय इति क्रियापदम, ये क्रियापद है, क्या है क्रियापद, विज्ञापय, और इसका पद परिचय वि उपसर्ग ज्ञा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरे कीजिए। मातृशब्द प्रथमा विभक्ति के रूप, माता मातरौ मातरः, तो स्वस्त्री शब्द के प्रथमा विभक्ति में स्वसा स्वसारौ स्वसारः, मातृशब्द तृतीय विभक्ति मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, स्वस्त्री शब्द तृतीय विभक्ति स्वस्रा स्वस्त्रीभ्याम स्वस्त्रीभिः, स्वस्त्री शब्द सप्तमी विभक्ति स्वसरी स्वस्रोः स्वस्रीषु, मातृशब्द सप्तमी विभक्ति मातरी मात्रोः मातृषु, स्वस्त्री शब्द षष्ठी विभक्ति स्वसुः स्वस्रोः स्वस्रीणाम, मातृशब्द षष्ठी विभक्ति मातुः मात्रो मातृणाम। अंतिम प्रश्न है, धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु प्रत्यय अलग करके लिखिए। गंतुम धातु है गम, प्रत्यय तुमुन। दृष्टुम दृश धातु, तुमुन प्रत्यय। करणीय क्री धातु, अनियर प्रत्यय। पातुम पा धातु, तुमुन प्रत्यय। खादितुम खाद धातु, तुमुन प्रत्यय। कृत्वा क्री धातु, क्त्वा प्रत्यय। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।